नमस्कार, भारत के संविधान की उद्देशिका के पार्ट टू में आपका स्वागत है। आज मैं उद्देशिका में मौजूद विभिन्न शब्द एवं उनके अर्थ पर चर्चा करूंगा। भारत के संविधान की उद्देशिका में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनके अर्थ को समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये शब्द न केवल भारत के संविधान के स्वभाव को दर्शाते हैं बल्कि ये भी बताते हैं कि भारत किस प्रकार के राष्ट्र के रूप में कार्य करेगा। हम भारत के लोग एवं प्रभुत्व संपन्न वाक्यांश हम भारत के लोग इस बात पर जोर देता है कि यह संविधान भारतीय लोगों द्वारा एवं उनके लिए निर्मित है और किसी भी बाहरी शक्ति द्वारा इस संविधान हमें नहीं सौंपा गया है। हमारा संविधान संप्रभुता की अवधारणा पर भी जोर देता है जिसके बारे में महान पॉलिटिकल दार्शनिक एवं विचारक रूसो द्वारा भी बात की गई थी। प्रभुत्व संपन्न होने का अर्थ सभी शक्ति लोगों से निकलती है और भारत की राजनीतिक प्रणाली लोगों के प्रति जवाबदेह और जिम्मेदार होगी। सिंथेटिक एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1989 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह अभिनिर्णित किया था कि शब्द प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि राज्य के पास संविधान द्वारा दिए गए प्रतिबंधों के भीतर सब कुछ करने की स्वतंत्रता है। यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कहा गया है कि कोई भी राष्ट्र का अपना संविधान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वह संप्रभु ना हो। शब्द समाजवादी वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह शब्द जोड़ा गया। समाजवाद एक ऐसे आर्थिक दर्शन के रूप में समझा जा सकता है जहां उत्पादन और वितरण के साधन राज्य के स्वामित्व में होते हैं। हालांकि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है जहां राज्य के अलावा निजी क्षेत्र के लोगों द्वारा उत्पादन का कार्य किया जा सकता है। यह एक राजनीतिक आर्थिक प्रणाली है जो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करती है। सामाजिक दर्शन सोशलिस्ट फिलोसफी के रूप में समाजवाद सामाजिक समानता यानी कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पर अधिक बल देता है। ऐसा ही एक केस मिनर्वा मिल्स लिमिटेड एवं अन्य बना भारत संघ एवं अन्य 1980 के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने समाजवाद को इस प्रकार समझाया कि राष्ट्र संविधान में मौजूद मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्व के सिद्धांतों के आपसी समन्वय के द्वारा अपने लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाने का प्रयास करता है। वहीं एयर इंडिया वैधानिक निगम बनाम यूनाइटेड लेबर यूनियन एवं अन्य 1997 के मामले में यह कहा गया था कि संपत्ति संबंधों कराधान सार्वजनिक व्यय शिक्षा और सामाजिक सेवाओं में परिवर्तन किया जाना संविधान के तहत एक समाजवादी राज्य की अवधारणा को वास्तविकता में बदलने के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार प्रस्तावना का एक दूसरा शब्द पंथ निरपेक्ष। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता की परिकल्पना जिस प्रकार से की गई है उसका अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और सभी व्यक्ति समान रूप से अपने विवेक की स्वतंत्रता के हकदार होंगे और वो अपनी संसद के धर्म को अपनाने उसका अभ्यास करने उसका प्रचार करने के लिए स्वतंत्र रूप से अधिकार प्राप्त करेंगे। ऐसा मुंबई बनाम भारत संघ 1994 के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की पीठ ने पंथ निरपेक्षता की अवधारणा को संविधान की मूल विशेषता के रूप में अभिनिर्णित किया था। अगला शब्द लोकतांत्रिक लोकतंत्रात्मक यह इंगित करता है कि संविधान ने सरकार का एक ऐसा रूप स्थापित किया है जो लोगों की इच्छा से अपने अधिकार प्राप्त करती है। सत्ता चलाने वाले शासक लोगों द्वारा चुने जाते हैं और उनके प्रति जिम्मेदार होते हैं। यह भी गौरतलब है कि लोकतंत्रात्मक एवं गणराज्य शब्दों का अलग अलग समझने के बजाय एक साथ समझा जाए तो बहुत बेहतर होगा। जैसा कि आरसी पौंड्याल एवं अन्य बनाम भारत संघ 1993 के मामले में कहा गया है हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे संविधान में लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ है लोगों की शक्तियां। इसका संबंध लोगों द्वारा शक्ति के वास्तविक
सक्रिय और प्रभावी अभ्यास से जुड़े। दरअसल लोकतंत्र एक बहुपक्षीय प्रणाली है, यह सरकार के प्रशासन को चलाने में लोगों की राजनीतिक भागीदारी को संदर्भित करता है। ये उन मामलों की स्थिति को बताता है जिसमें प्रत्येक नागरिक को राज व्यवस्था में समान भागीदारी के अधिकार का आश्वासन दिया गया। मोहनलाल त्रिपाठी बनाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 1992 के मामले में भी कुछ ऐसा ही कहा गया। इसी प्रकार एक और शब्द है गणराज्य। एक राजतंत्र के विपरीत जिसमें राज्य के प्रमुख को वंशानुगत आधार पर अपने जीवन भर के लिए सत्ता चलाने हेतु नियुक्त किया जाता है, एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य एक ऐसी इकाई है जिसमें राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं है। भारत का प्रत्येक नागरिक देश का राष्ट्रपति बनने के योग्य है। भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में मैं ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना अपने आप में मनोहर है, क्योंकि ये कुछ हद तक अन्य देशों के संविधानों की उद्देशिका प्रस्तावना से अलग है, क्योंकि इसमें ईश्वर, इतिहास या पहचान का कोई बोझ नहीं डाला गया है। इसके द्वारा भारत के लोगों से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय का वादा किया गया है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर और इतिहास महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमारी उद्देशिका हमें यह स्वतंत्रता देती है कि हम अपने कृत्यों, अपनी आस्था, अपने विचारों इत्यादि के संबंध में उचित चुनाव कर सकते हैं। संविधान की प्रस्तावना हमें यह भी बताती है कि एक राष्ट्र की एकता केवल समूह की एकजुटता भर नहीं, ये बताती है कि एक वास्तविक एकता तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का आश्वासन दिया जाए। प्रस्तावना यह बताती है कि यदि व्यक्ति की गरिमा का सम्मान किया जाएगा तो राष्ट्र को डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए संविधान की उद्देशिका लिबर्टी का एक चार्टर है। इसकी मूलभूत संरचना प्रगतिशील है जो इसमें समाहित है। आपका बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।